नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने आज पुलिस लाइन सभागार में शहर के पत्रकारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पत्रकार पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करते हैं, हर आम जनमानस की आवाज को पत्रकार उठाते हैं और हम तक पहुँचाते हैं, जिसे हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा और उस पर कार्यवाही करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पत्रकारों को कोई भी समस्या हो तो उनको अवगत करा सकते हैं। बैठक में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार, डीसीपी पश्चिम बीबीटी जीएस मूर्ति, एडीसीपी साउथ, एडीसीपी पुलिस लाइन कानपुर क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, इब्ने जैदी वेद गुप्ता, श्याम तिवारी, ज्ञानेन्द्र शुक्ला, उपेंद्र अवस्थी, नीति मयंक सैनी और मनीष गुप्ता, शामी शावेज, करण प्रशांत आदि शहर के कई पत्रकार भी मौजूद थे। कानूनी जंग न्यूज के लिए कानपुर से टाइगर पासवान की खास रिपोर्ट। सर, ये जो जगह जगह ट्रैफिक पालन नहीं किया जा रहा है उसको लेकर बता दीजिए। देखिए, मुख्य रूप से लोग प्रशासन के निर्देश पे सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें पहले तो सभी लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। लोग ट्रांसपोर्टर से मीटिंग कर रहे हैं, व्यापारियों से मीटिंग कर रहे हैं, ई रिक्शा चालकों से मीटिंग कर रहे हैं और जो सिटी बसेस चल रही हैं उन लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और इन्हीं सभी का वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है। जो ड्राइवर्स हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो स्कूल बसेस हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि कहीं पर भी जो इनसे जाम की समस्या है उसको किस तरीके से उसको कम किया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके और एक प्रॉपर तरीके से शहर सुव्यवस्थित हो सके, ये प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में डिफरेंट स्टेक होल्डर से मीटिंग की जा रही है। आपको 3 से 4 दिन में इसमें डिफरेंस नज़र आना शुरू होगा जब इसमें, और पहले हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं कि पहले उनको नियम कायदे कानून बताए जाएँ और उसके बाद जो उल्लंघन करेंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काकादेव में जो घटना हुई थी, जो धर्मांतरण को लेकर थी, उसके अंदर तो पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी, सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी संज्ञान में आया, जिस पर हमने अपने जॉइंट सीपी से जांच कराई, कि कुछ जब वो उसकी माता लड़के की माँ जब FIR दर्ज कराने के लिए आई थी तो उसको टाल दिया गया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि जांच की गई तो ऐसे चुका का देव और चौकी इंचार्ज का दोष पाया गया, तो दोनों को निलंबित किया गया। सर, RTO फिटनेस जो गाड़ी की कर रहे हैं जी, उनमें सर जब तक दलाल के थ्रू नहीं जाते हैं तब तक गाड़ियों की फिटनेस नहीं होती। देखिए, ऐसा क्या इसकी हम लोग जांच कराएंगे, अगर ऐसे दोषी पाया जाए तो उसको कार्रवाई की जाएगी।